अमिताभ बच्चन को भले ही सदी का महानायक कहा जाता हो, राजेश खन्ना को भले ही पहला सुपरस्टार कहा जाता हो, लेकिन हिंदी सिनेमा के इन दो बेहतरीन कलाकारों के ऊपर भी एक अभिनेता का नाम आता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप सबसे सफल और चर्चित कलाकार का नाम तलाशेंगे तो शायद एक ही नाम उभर कर आए। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल में इस अभिनेता ने सबसे अधिक फिल्में दी हैं। भले ही बाद के दिनों में राजेश खन्ना सुपरस्टार बने हों, या अमिताभ बच्चन महानायक बने हों, या फिर शाहरुख खान बन गए हों बॉलीवुड के बादशाह, लेकिन इन सभी ने एक अभिनेता को अपना आदर्श माना और वो है यूसुफ खान, यानी कि दिलीप कुमार। आज भी इंडस्ट्री में आने वाला हर नया कलाकार उन्हें अपना आदर्श मानता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिलीप साहब के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण सा व्यक्ति हिंदी फिल्म जगत का सबसे बड़ा नायक कहलाया। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था। बताया जाता है कि उनके पिता फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालते। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उनका शुरुआती जीवन तंगहाली में ही गुजरा। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण वो पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे थे। बस यहीं से दिलीप साहब के जीवन ने करवट ली। यहीं वो समय आया जिसने दिलीप साहब को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नायक बना दिया। पुणे के उसी दौर में देविका रानी की पहली नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। देविका रानी ही थी जिन्होंने यूसुफ खान की जगह उन्हें दिलीप कुमार का नाम दिया। दिलीप साहब का फिल्मी करियर साल 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से शुरू हुआ था। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। साल 1949 में बनी महबूब खान की फिल्म अंदाज ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म हिट साबित हुई। 1951 में दीदार और 1955 में देवदास जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा था। 1960 में मुगले आजम में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। इसके अलावा क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर जैसी फिल्मों ने दिलीप साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बना दिया था। साल 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद दिलीप साहब ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। अपने बेहतरीन फिल्मी करियर के बावजूद भी दिलीप कुमार ने मात्र 54 फिल्मों में ही काम किया है। वो हर फिल्म को सोच समझ कर साइन करते थे। बॉलीवुड में अपनी फिल्मों से ज्यादा दिलीप कुमार ऑफ स्क्रीन लव अफेयर के लिए चर्चा में आए। दिलीप कुमार की प्रेमिकाओं में पहला नाम आप मधुबाला को मान सकते हैं। दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के बारे में सब जानते थे। फिल्मी दुनिया में ये जोड़ा अपने प्यार और तकरार के लिए खासा चर्चित रहा है। इसके साथ ही उनका नाम वैजयंती माला के साथ भी जुड़ा। दिलीप कुमार ने 1966 में ब्यूटी क्वीन सायरा बानो से शादी की थी। जिस समय दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई थी उस समय सायरा बानो 22 और दिलीप साहब 44 साल के थे। आज ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। इतने सालों से दोनों एक दूसरे के साथ ही बने हुए हैं। आज भी सायरा बानो दिलीप साहब की सेवा में लगी रहती हैं। सबसे अधिक अवार्ड जीतने वाले दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अपने जीवन काल में दिलीप कुमार साहब 8 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पा चुके हैं और ये एक कीर्तिमान है जिसे अभी तक तोड़ा नहीं जा सका। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा था और 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान
दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया। पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें 1997 में निशाने इम्तियाज से नवाजा, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों, क्या आप भी दिलीप साहब के फैन हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।